सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का सीवी फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड एप्लीकेशन की हेल्प से। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह से सीवी फोटो एडिटिंग करना सीखना तो इस वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले, यूजर आईडी RSP एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड, आपको जिस फोटो को एडिट करना है आप उस फोटो को सिंपली स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वाले फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। स्नैपसीड एप्लीकेशन में फोटो ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले हम अपनी फोटो के लाइटिंग कंडीशन को हम सही करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्यून इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी फोटो के लाइटिंग कंडीशन को हम सही कर लेंगे। तो चलिए हम सही से कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से एडिट बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्यून इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इन्वर्ट करेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से जूम करके अपने फेस एंड हैंड पर से हम इस इफेक्ट को हम रिमूव कर लेंगे। तो चलिए हम सही से कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिर से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम अपनी फोटो के बैकग्राउंड को हम चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ओपेसिटी को हम 100 कर लेंगे और यहाँ से हम फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से व्यू एडिट पे क्लिक कर एडिट बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से जूम करके अपने फोटो के बैकग्राउंड के पीछे हम ब्रश कर लेंगे। तो चलिए हम सही से कर लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. अब हम यहां से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से हम फिर से बैक जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में हम अपनी फ़ोटो के फेस को हम स्मूथ एंड वाइट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहां से सेव इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपनी फ़ोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर अपनी फ़ोटो को शेयर करेंगे।
ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर फोटो ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हम ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस वाले ब्रश को हम सेलेक्ट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइज अपने मुताबिक सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से फ़ोटो को जूम करके और अपनी फेस पर हम फेस को हम स्मूथ कर लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। अब हम अपने फेस को हम वाइट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक न्यू लेयर बनाएंगे और इस पर हम कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सॉफ्ट लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से जूम करके अपनी फेस को हम वाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड फाइनली हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ से 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से अपने फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।